नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं कैसे ईपीएफ के जो न्यू अपडेट के बारे में आ जाया उसके बारे में देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। एक एक चीज आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसका साइड इफेक्ट भी बता दूंगा आपको, क्या करना है कैसे करना है। मैंने अभी लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है, और जो जो न्यूज आया मैंने वो चीज आपको अभी बताने जा रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर। उसके बाद एक एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। बहुत सारे बंदे का जो पीएफ रुका पड़ा है, जो ईपीएस की तरफ से जो एक एक न्यूज आ रहा है, खुशखबरी जो आ रहा है, तो इस वाले वीडियो आप देख लीजिए जो क्या क्या खुशखबरी। पहले नंबर एक्टिवेट कराने के लिए आ गया, डॉक्यूमेंट्स केवाईसी, ऑनलाइन ट्रांसफर, डेट ऑफ एग्जिट आप कर सकते थे। तो एक एक चीज जो न्यूज आ रहा है इसमें से ये भी एक गुड न्यूज है। पहले था तीन डॉक्यूमेंट्स देंगे जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते थे। अब इस बात को आप समझ लीजिए कैसे क्या करना है। पहले जो तीन डॉक्यूमेंट्स था, पहले स्कूल का सर्टिफिकेट था और डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट था और पासपोर्ट था, यही तीन चीज पहले था। आप इसके साथ जोड़ दिया डेट ऑफ बर्थ, जो मेडिकल सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट आप बना के एफिडेविट लगा के तो आप इसमें सबमिट कर सकते हो। ये जो तीन चार आप ऊपर देख रहे हो, तीन चार चीज, ये तो आप लंबे टाइम तक आप चेंज कर सकते हो। एक दिया है नीचे सबसे आधार कार्ड, आधार कार्ड में जो अपडेट दे रखा है आधार कार्ड से भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये तीन साल तक आप कर सकते हो, तीन साल आगे या तीन साल बाद इसी के ही आप चेंज कर सकते हो। अगर 2020 चल रहा है तो 2023 या 1917 या 2020, तीन साल, या 20 से 2023, तो ये तीन साल के आप अंदर, अगर आपके तीन साल के ऊपर या नीचे डेट ऑफ बर्थ के डिफरेंट है तभी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो पहले था वो लाइफ टाइम वाले था तीन डॉक्यूमेंट, जो सबके पास होता नहीं है। अभी भी एक ऑप्शन अभी दे रखा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कार्ड कोई भी आप देके सबमिट कर सकते हो, नहीं तो मेडिकल सर्टिफिकेट और सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट आप लगा के एफिडेविट के साथ लगा के आप भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये तीन साल के बाद भी आप इसमें चेंज करा सकते हो अगर तीन साल के ऊपर डिफरेंस हो। पहले यही था तीन चीज के लिए, अभी दो चार चीज उसमें जोड़ दिया प्लस आधार कार्ड में दे दिया, तीन साल के डिफरेंस में आप जोड़ सकते हो। अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में आपके आईडी प्रूफ से एक साल ऊपर या नीचे है तो आप अपने कोई बिना डॉक्यूमेंट्स के आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते थे। आप जो प्रोसेस आया, ये आधार कार्ड में तीन साल और ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, तीन साल के बाद में ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे करना है, कहाँ पे करना है। मैंने एक चीज अभी बता रहा हूँ, आप देख के इसको कर लीजिए। पे जाना है आप अकाउंट ओपन करने के बाद, यहाँ पे मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल्स में जाना है। बेसिक डिटेल्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। अगर एक साल के ऊपर है तो भी आप ये कर सकते हो, अगर एक कम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अब ये बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगता है, अभी मांग रहा है लेकिन आप जब वीडियो देखोगे शायद इसमें और आपके पास ऑप्शन आ जाए। आधार कार्ड में भी आप कर सकते हो, ये चेंज हो रहा है, अभी नया अपडेट आ गया, आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो मैंने डेट ऑफ बर्थ जो सही वाले है वो वाले मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं अपलोड में क्लिक कर देता हूँ। अपलोड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है। आप जब वीडियो देखोगे ये अपलोड यहाँ पे हो जाएगा और भी चार पांच डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। और आपके यहाँ पे फाइल दिख रहा है, यहाँ पे फाइल में आपको जाना है। फाइल में जाने के बाद पीडीएफ में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उस वाले वीडियो के आई बटन में यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा, उस वाले ऐप को जाके आपको डाउनलोड करना है और पीडीएफ में आपको चेंज कर लेना है। अब अगर मोबाइल में फोटो खींचेगा तो जेपीजी में आता है, उसको पीडीएफ में करना है। यहाँ पे आप इस वाले वीडियो को देख के आप
जेपीजी से पीडीएफ चेंज कर सकते हो। अगर जेपीजी में ले लेता है तो आप जेपीजी में डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको अपलोड में क्लिक करना है। मैं अपलोड में क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपलोड लिखा है, अपलोड में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऐसे एक टॉपअप आ जाएगा, उसके बाद आपको यस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद ये आपके सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद ये 10-15 दिन लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। पीएफ के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में देख लीजिए, आपके जो भी चाहिए पीएफ के रिलेटेड आप हर चीज के वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।